मैं बोल लू आगे, ओके गो अहेड। बड़ी मेहरबानी। लो जी, सुसाइड अटेम्प्टिंग प्रॉफिट, ठीक है, सुसाइड अटेम्प्टर प्रॉफिट। पहली तो ये बात है, क्योंकि इन्होंने सबूत की वजह से मेरा मुद्दा चेंज कर दिया डिफरेंट तरीके से। पहली बात तो ये है कि अगर इस दुनिया में एक बंदा एक दफा सुसाइड करने की कोशिश करे तो उसको मेंटल पागलखाने भेज दिया जाता है, उसका साइकोलॉजिकल इलाज करवाया जाता है। ओके हमारे प्यारे दोस्तों ने ऐसे मेंटल अपंग पागल को नबी बना दिया, बाय द वे। ये तो एक पहली हकीकत है, ठीक हो गया जी। ये बात तो रियल मुस्लिम आप मानते हैं ना इस बात का, कि जो बंदा सुसाइडल अटेम्प्ट हो, जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी हो, उसको पागल खाने भेजा जाता है, उसका मेंटल डॉक्टरों से इलाज कराया जाता है, करेक्ट? देखिए, एक तरीका होता है जैसे कि इंसान कई स्टेजेस पे जैसे कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं वो पागल है। है? ओके, अगर कोई इंसान सुसाइड कर रहा है, मान के चलिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है किसी चीज़ की, यार इसका एक मतलब सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आपके घर में सपोज कीजिए आपका हाँ छोटा भाई, सपोज कीजिए, मुझे नहीं पता आपका छोटा भाई है कि नहीं है, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके आपका छोटा भाई सुसाइड करने की कोशिश करता है, वो घर के चौथे माले के ऊपर खड़ा हो जाता है, छलांग मारने की कोशिश करता है, ठीक और आप उसे बताते हैं, नहीं, तू सही था, तू सही है, तू सही है, कोई बात नहीं, वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। कैन यू ट्रस्ट दिस ब्रदर ऑफ योर्स ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं उसका मेंटल इलनेस है, इसका मतलब ये हो ऑब्वियसली सकता है है, उसे कोई दिक्कत है, कोई कुछ चीज उसको सही नहीं लग रही है, किसी चीज से वो परेशान है, ये ओके। होता है एक दफा ये हो गया। अच्छा, अगर दो दफा ये करे, दूसरी दफा करे, फिर अगर वो 2 महीने बाद दोबारा छलांग मारने की कोशिश कर, लेकिन आप फिर देख लो उसको और आप चीखे मार मार के, नहीं, तू सही है, तू सही है, और आप फिर बचा लो, फिर दो तो ये दफा के बाद पूरी क्या हदीस करोगे? की, फिर तो अगर पूरी वो हदीस तीसरी की दफा पूरा करे, सुनो सर अगर जी। वो तीसरी दफा करे तो ठीक है, मैं इसको बताता हूँ इस बारे में, आप थोड़ा ये हदीस को ओके। पूरी तरह से जूम आउट अब करें। मुझे बताएं, सब करें, जूम आउट बाद में करते, कोई मसला नहीं है। जूम आउट करूंगा तो छोटा हो जाएगा ये, बहुत ज्यादा आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। ये ले, इसको एक साथ जूम आउट किया, अब वो अरबी साथ में नजर आ रही है, राइट साइड वाली, यू कांट रीड एनीथिंग। सो मैंने जो सेटिंग रखी हुई है बहुत अच्छी रखी हुई है, सिर्फ चुप करके सुने जो मैं बोल रहा हूँ अभी। जब एक बंदा 3 दफा से ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करे, आप उस बंदे को किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं बनाते, आप उस बंदे को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं बनाते, लेकिन आपने उस बंदे को नबी बना के रख दिया। देखिए, जब उनका इंतकाल हुआ, ठीक है, यार इंतकाल किनका को छोड़ जो दो आप ना बता अभी, रहे हो, वका का, वर्का तो का। उस समय ही बिकेम सैड, सो सैड एज वी हर्ड दैट ही इंटेंड सेवरल टाइम टू थ्रो हिमसेल्फ। नहीं, द इसका डिवाइन इंस्पिरेशन ऑल्सो पॉज, दैट्स द मेन पॉइंट। ऊपर देखो, ये भी तो आप लिखा है एंड वरका से वो लेता था पुराने नबियों की बातें, मर गया, पुराने नबियों की बातें आना खत्म हो गई, उसने बाहर से छलांग मारने की कोशिश कर दी, उसने कहा यार दूर फटे मुंह, मैं तो वाकई में मेरे ऊपर कोई शैतान आया हुआ था, वरका ने झूठ बोला था, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू जी, से। एक जुमले में दो अल्फाज हैं, आप सिर्फ एक का माना बता रहे हो। देखो, वर्का डाइड एंड डिवाइन इंस्पिरेशन वाज आल्सो पॉज फॉर अ वाइल। वर्का डाइड, दोनों लिखा है, बिकेम सो सैड सो एज वी हर्ड दैट इंडेंट सेवरल टाइम्स, दोनों है, शायद हो सो सकता है सैड, इनके सो इंतकाल की सैड वजह किस से, वजह से हो रहा है, वर्का के मरने की वजह से या डिवाइन बोथ, इंस्पिरेशन रुकने की वजह से? दो भी हो सकता है, ओके शायद चले, मरने का आप गम भी ऐसा हो करें, सकता है। अगर अगर आपका भाई सपोजिटली, नाउजु बिल्ला, गॉड फॉरबिड, आपके वालिद के मरने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, एक दफा, दो दफा, 3 दफा, अब आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजेंगे, पागलखाने नहीं भेजेंगे? देखिए, आप जो जिस तरीके से आप बताना चाह रहे हो वहां पर मैं अग्री कर लेता हूँ, बस ठीक बात है। खत्म होगी, फिर हाँ, नहीं, एंड ऑफ आप जिस डिस्कशन। तरीके से मुझे बता आपने रहे हो पागल को उसको नबी मैं बना देख, दिया भाई। नहीं, जब वो हाँ, गए थे तो उनको रोका किसने? उसी चीज ने, जिस चीज ने उसको कहा था इकरा बिस्मि रब्बी कल्ला जी खलाका, और उसने अपने आप को हाँ, जिब्राइल नहीं तो इस बताया चीज था को आप मानते हैं ना, वो क्या? है जिसने कहा, जिस चीज ने रोक रखा था वो चीज है, अपियर है, राइट, वो जिब्राइल है, मोहम्मद कह रहा है ना, वो वो मोहम्मद आए कह रहा है,
मोहम्मद नहीं, के दिमाग हेलुसिनेशन का है वो, कलर भी तो हो सकता है हेलुसिनेशन, ना। हाँ हेलुसिनेशन भी तो हो हेलुसिनेशन सकती है, दिमागी खलन। ये भी तो है, जिब्राइल ने रोक रखा है, जिस तरह से मैंने अपने भाई को रोक रखा था या अरे मैं अपने भाई भाई को पकड़ता हूँ बार बार, तो जिब्राइल भी तो उन चीज को ये कह रहे हैं कि डोंट गेट सैड, वहां पर वो नाराज हो अरे गए हैं। भाई, हलूसिनेशन है ना। इसको आप थोड़ा और पढ़ें आगे। बाद पढ़ेंगे। हेलुसिनेशन है ना ये, क्या एक भाई ने लिखा, स्किजोफ्रेनिया है ना, स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट था ना वो, उसको चीजें नजर आती थी, लेकिन नहीं वरका ने बता उसका दिया कि ये जो चीज तुम्हें नजर आ रही है ये जिब्राइल है। चूंकि वरका ने बता दिया, अब स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है वो, अब ये वरका ने कोई बता पहली दिया कि बार जो नहीं चीज तुम्हें नजर आ रही है ये असल में जिब्राइल है। तो अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि वो उसको जिब्राइल समझना शुरू हो गया। जितनी भी दफा उसे मिल रहा है वो उसको जिब्राइल ही समझ रहा है। इससे पहले भी कई सारे नबी होते थे, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके समय पर भी इसी तरह से हुआ करता था। ओके, नाउ हियर इज द थिंग, ठीक है, जैसे आपने कि उनको मुझसे, आते थे तब भी उनको जैसे कि ख्वाब दिखाई करते थे, कई सारी चीजें, ये सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि उनको ख्वाब पड़ता था। जो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पागल है। जो यूसुफ को ख्वाब पढ़ते थे, ठीक है, ये मोहम्मद ने अपने कुरान में लिखा, राइट? अच्छा, तो मतलब ये भी उन्होंने ही लिख दिया है अपनी ओर से, सुनो आपका तो ये सही कहना है। ना, सुनो तो सही ना, ये चीज जब ओके मोहम्मद ने अपने कुरान में लिखी है, राइट, ठीक है, ये असल में किसी और किताब में पहले से लिखी हुई है। पिछली किताबों में, अहले किताबों में लिखा होगा। आई थिंक आई हैव नेवर बेहतरीन रीड। बेहतरीन, तो इसका देखिए, मतलब है ये चोरी का माल था, नंबर वन। नंबर टू, यूसुफ को जो, यार जरा सबर सबर, यूसुफ को जो ख्वाब दिखाया गया उसकी उसने ताबीर बताई, वो ताबीर उसी की दुनिया में उसी के टाइम के ऊपर पूरी हुई। दैट इज कॉल्ड प्रोफेटिक विजन। अब आप मुझे मोहम्मद का प्रोफेटिक विजन दिखाएं। अब आप ये आगे हैं कि आपने नबी को प्रूव करना है फ्रॉम ए प्रोफेटिक विजन, मुझे आप मोहम्मद का एविडेंस दिखाएं फ्रॉम द प्रोफेटिक विजन। देखिए, इस्लाम ने आपको कोई क्राइटेरिया दिया ही नहीं है किसी नबी को प्रूव करने के लिए। दैट इज द प्रॉब्लम। हर मुसलमान भागता है लेफ्ट राइट किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुरान ने आपको किसी प्रॉफिट को परखने का तरीका ही नहीं दिया। देखिए परखने के तरीका, जैसे कि आप कह रहे हो, ये खुद अपनी तरीके से जैसे कि कहानियां स्टोरियां डाल दी है। आप जैसे कि एजुकेशन, आप जैसे कि सोचते हैं कि बहुत मैं जहीन हूँ, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कई सारे स्कॉलर अपने आप को बहुत, जैसे कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ या स्कॉलर हूँ, जो भी अपने अपने आप को समझते हैं। व्हाई कांट यू क्रिएट अ सिंगल बुक लाइक कुरान? यार कुरान जैसी किताब कौन उल्लू का पट्टा लिखेगा? यही तो व्हाट इज आपकी मार्वेलस इन दिक्कत कुरान? है। एटलीस्ट आप नथिंग। जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी उसकी तरीके की अरे किताब नहीं उससे लिखा है बहुत अच्छी तरह की किताबें लिखी गई हुई है। ना। अगर होती अरे तो अरे डूड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कौन कुरान सी में कोई, किताब एवरी सिंगल बुक इज बेटर देन कुरान। है बताइए। इसीलिए हाँ आप दिन रात कुरान का जिक्र करते हो, अच्छा यार, अब आप राइट? हो गए, आप अंक, थैंक यू सो वेरी मच। अब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा। प्रॉब्लम यह है कि अब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा, इसलिए अब आप आ गए हैं अपनी मर्जी के दावों के ऊपर। भाई कुरान से अच्छी किताब, इसका मुझे बताएं कि क्राइटेरिया क्या है। ये ले, आखिरी दफा आपको ले रहा हूं, क्योंकि अब आप इस तरह की जो है ना बातें, अच्छा इसलिए आप लगे हुए कुरान के ऊपर बातें, ये नहीं करें। व्हाट डज दैट मींस, कुरान से बेहतर किताब बताएं वो। कुरान से बेहतर, यानी कि कई सारे, जैसे कि इंसान को किस तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहिए, खुदा ओके के आगे अपने आप को सबमिट करना रंडीबाजी करके जिंदगी जीना चाहिए। कुरान देखें किस तरीके से जिंदगी जीना चाहिए, ये आपको हर हर रिलीजियस बुक बताएगी। कुरान तो रंडीबाजी चाहिए। बताता है, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि भजन ये क्राइटेरिया नहीं है। अगर ये क्राइटेरिया है तो आपके रंडीबाजी जो आप पास, बता रहे हो वर्ड, कैन यू शो मी वन वर्ड रंडीबाजी कुरान जी में? सर, सूरह मोमिनीन पढ़ी है आपने? सूरह मोमिनून में कहां पर लिखा है ये? आपके मतलब रंडीबाजी का मतलब क्या होता है? मतलब ये सेक्स स्लेवरी होता है, राइट? जी सर, सेक्स स्लेवरी वर्ड आप बता सकते हो कुरान में? लेसेस इज लाइक स्लेवरी का वर्ड, उस तरीके से नहीं है ना, स्लेव्स के साथ सेक्स है ना, ये लो
नहीं और मोमिन देखिए, फलाह पाए जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं और वो बुरी बातें नहीं करते हैं और वो टैक्स देते हैं, नहीं सॉरी ज़कात देते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करते हैं एक्सेप्ट अपनी बीवियों के और अपनी गुलाम औरतों के, और उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। जी सर, जी सर, तो सेक्स आप तो अपनी आपने बीवी और अपनी सेक्स गुलाम औरतों स्लेवरी से करते हैं। कहा, हाँ सेक्स जी स्लेवरी कहा, इसको साबित करें, ये जी वर्ड कहाँ है? हैं, स्लेव्स के साथ सेक्स को सेक्स स्लेवरी नहीं कहते, किसको कहते हैं? सेक्स स्लेवरी जैसे कि कूटा होता है, सर एग्जाम्पल। जी, सर जी, एक सेकेंड, स्लेव्स के साथ सेक्स को क्या कहते हैं आप? स्लेव्स का एक और भी जैसे कि बांदी, जैसे कि आपका कहना है सर वो राइट है। बांधी के साथ सेक्स को आप क्या कहते हैं सर? देखिए, सेक्स स्लेवरी इज डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग ब्रदर। सर जी, आप जिस चीज सेक्स को, जिस स्लेव के क्या साथ डिफरेंस है सेक्स वो करने को क्या कहते हो आप? यार साहिल तू बात कर ले यार। बताओ। हाँ मैं भाई, बताता क्या हूँ, कहते हैं? देखिए, सेक्स को जैसे कि आप अपनी स्लेव है किसी और के साथ, जैसे कि पैसों के लिए सेक्स करवाते हो, नहीं आप या करते हो उसको क्या कहेंगे? आपने देखा। अरे भाई, मैं आपसे आप मुराद नहीं ले रहा हूं। एक हाँ, इंसान इंडिविजुअली अपने स्लेव के साथ सेक्स कर रहा है, उसको क्या मैं कहेंगे? उसको मैं बता रहा हूं ना, बताओ ना, अगर क्या वो कहते हैं उसको? करवाता है इस चीज को, उसको सेक्स स्लेवरी कहते हैं। अगर वो वो बांदी है खुद या उसकी स्लेव है, भाई उसकी भाई, स्लेव हाँ ओके, उसकी हाँ स्लेव है तो वो उसके हाँ ऊपर यानी कि इख्तियार रखता है, तो वो उसके साथ रह सकता है। मतलब सेक्स करने का इख्तियार रखता है और बेचने का भी इख्तियार रखता है, राइट? जैसे कि क्या होता है सेक्स, ये सही कई सारी चीजें ना, कई कई मूवमेंट पे आए हैं आयत। ऐसा नहीं है कि इस चीज को आप ऐसे देख ले कि सेक्स के जो है सिर्फ तो लौंडियों सेक्स के साथ करने का करना है। इख्तियार रखता है ना भाई, जी हाँ, या उसको रखता क्या है, सब कहेंगे? कुछ रखता है। हाँ, लेकिन वो उसका मर्तब भी बहुत सारा ऊपर रखा है कई सारे चीजों में, सिवाय सिर्फ बीवी का टाइटल छोड़े उस चीज को हर अच्छा, चीज का उसको इख्तियार बेच है। सकता है, बेच भी सकता है स्लेव को, देखिए, स्लेव्स कई तरह की होती हैं, एक बेच तरह की सकता है या नहीं स्लेव। बेच सकता, उतना बताओ यार। शादी कर लेगा तो क्यों बेचेगा? शादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने शादी की बात की, अभी तुमने क्या, शादी के बगैर उससे सेक्स कर सकता है तो शादी की बात क्यों कर रहे हो? शादी की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, शादी कर ली आपने तो स्लेव पूछा। का रही वो, शादी करने के बाद हाँ, स्लेव रहेगी वो, क्या बीवी रहेगी? देखो, अभी जैसे कि आपने कहा सेक्स लेवरी कराना, अभी सेक्स लेवरी उसके साथ करवाया और उसके उसका बच्चा हो गया, ठीक है, उस बच्चे का बाप कौन रहेगा? मतलब सेक्स स्लेवरी जायज है ना इस्लाम में? अभी थैंक यू सो वेरी मच, नहीं आपके नहीं मुंह से नहीं ये नहीं वर्ड नहीं निकला। आप अपने मुंह के अल्फाज मेरे मुंह में ना अरे डालें। तूने बोला भाई, अभी सेक्स स्लेवरी करवाया और बच्चा हुआ, अभी तूने बोला। नहीं, आपकी जो बात है मैं उस चीज को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो मैं बताने सेक्स की कोशिश स्लेवरी कर रहा हुआ हूँ। ना उसमें? नहीं भाई, स्लेव के साथ सेक्स देखिए, हुआ कि नहीं? लेट मी एक्सप्लेन, स्लेव मुझे 2 मिनट अगर हुआ आप ना चाहिए तो बात तो। करते हैं, वो सेक्स स्लेवरी और क्या है? अच्छा, नो, दस नहीं अगर सुन मेरे भाई, मेरे भाई सुन, एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे मुझे पास एग्जांपल इतनी देके कुवत बताऊंगा है, आपको, आप अपनी इतना बात पहले। पैसे है, प्यारे भाई सुनो ना, अगर मेरे पास पैसे है 10 स्लेव खरीदने के, क्या मैं 10 को खरीद के उनके साथ सेक्स कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? ठीक है, मैं अभी आपको आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, पहले एक्सप्लेनेशन हाँ नहीं, या पहले ना। जवाब तो दो। कर सकता है, कर सकता हूं साहिब मैं क्या नहीं कर सकता हूं? थैंक इख्तियार कर सकता है। यू। तो ये इसको रंडीबाजी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कि मैं मार्केट से जाके 10 स्लेव खरीदूं और उसके साथ, उनके साथ जो है वो दिन में एक के साथ, दूसरी शाम में एक के साथ, रात में एक के साथ, फजर में एक के साथ, तो इसको रंडीबाजी नहीं बोलते तो क्या बोलते मेरे प्यारे भाई? तो आपको ये लगता है वो फोर्सफुल उसके साथ कर सकता है? अरे भाई, यार, इसको रंडीबाजी कहेंगे या नहीं कहेंगे? प्रोस्टिट्यूट के साथ आप फोर्सफुली सेक्स करते हो नहीं, क्या? प्रोस्टिट्यूट नहीं है, देयर आर क्या टू डिफरेंट डिफरेंस है दोनों में? थिंग्स। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वही तो कह रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, 2 मिनट दीजिए। नहीं, पहले बताएं, प्रोस्टिट्यूट के साथ जबरदस्ती सेक्स कर सकते हैं? किसी भी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, प्रोस्टिट्यूट के साथ प्रोस्टिट्यूट प्रोस्टिट्यूट, हो या यार कोई भी हेलो, हो, इस्लाम से औरत बाहर की बात कर रहे हैं, इस्लाम से नहीं, बाहर की वट बात कर एवर रहे हैं। इट मे बी, प्रोस्टिट्यूट किसी के के साथ साथ जबरदस्ती जबरदस्ती सेक्स किया जा सकता है? नहीं। बेहतरीन,
रंडियों के साथ भी आप इसी तरह करेंगे ना, ये रंडी है, ये भी रंडी है, इस्लामिक रंडी है सेक्स स्लेव, लेकिन प्रोस्टिट्यूट को जितनी दफा आप सेक्स करेंगे उतनी दफा उसको पैसे देंगे। इस्लामिक प्रोस्टिट्यूट को आपने एक दफा, यार सुन लो यार, इस्लामिक प्रोस्टिट्यूट को आपने एक दफा पैसे देने हैं, दूसरे प्रोस्टिट्यूट को आपको हर दफा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस्लामिक एग्जैक्टली, थैंक यू साहिल साहब। एडम इधर तो और मजे उल्टा, अल्हम्दुलिल्लाह 10 स्लेव खरीदो और मस्त गपा गप करो और उसके बाद मूड आपका खत्म हो गया तो उसको बेच भी दो मार्केट में, नहीं लेके आओ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो उल्टा और आसानी है। एडम साहब डिस्कनेक्ट क्यों हो गए? एडम साहब स्लेव ढूंढने तो नहीं है? हाँ भाई बिल्ली वाले भाई, अरे मैं अपनी स्क्रीन से बाहर निकल गया। हाँ बिल्ली वाले भाई यहाँ तो और आसानी है प्रोसीजर में, रियल मुस्लिम कहे हैं ठीक है, ये बिल्ली वाले ये अल्फाज सही नहीं रहेगा। अरे तो अबू हुरैरा भी तो बिल्ली के बाप थे ना भाई। नहीं आप जो मेरा जहाँ पर मैं नाम लिख के आया हूँ वही लिख वही करे तो सही रहेगा। नहीं नहीं इनको अबू हुरैरा से नफरत है साहिल भाई, सवाल है उसका जवाब दो। आप बस ऐसे बोलिए ना, ये आप ऐसे मत ना कहें ठीक है। आपको इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आप जो है जबरदस्ती सेक्स डिलीवरी जो है आपका जो अल्फाज है वो मेरे मुंह में डाल रहे हैं। ठीक है छोड़ें इस टॉपिक को, छोड़ें गोली मारें, आप छोड़ें, आपकी बातें आगे लोगों ने सुन ली, थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आप नबी मोहम्मद को अब नबी साबित करने के लिए आखिरी उज्जत देनी है तो दे दें, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने आर्ग्यूमेंट दिए थे वो तो फॉल्सिफाइड हो चुके हैं। अब मुझे आप अगर कोई दिखा सकते हैं क्राइटेरिया तो हम उस क्राइटेरिया पे हमारे प्यारे नबी को जज कर लेते हैं, और अगर नहीं दिखा सकते हैं तो किसी और को अब मौका देते हैं। ठीक है देखिए, दूसरा आपने जो बताया था अभी तक आपने नहीं बताया कि कुरान जैसे कुरान बनाने के लिए क्राइटेरिया भी नहीं है, वो भी नहीं है क्राइटेरिया। आगे चलें। नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान इज कंप्लीटेड तो उस पे हमारा फेथ है। आई मैंने उसको बताया, ईमान की बात नहीं हो रही यहां पे। हेलो भाई ईमान की बात ही नहीं हो रही, ईमान की बात ही नहीं हो रही, ईमान के मुताबिक प्रूफ की बात है, प्रूफ की बात, प्रूफ की बात। हां प्रूफ कुरान ही तो है भाई, सबसे बड़ा प्रूफ कुरान है। कैसे चले ठीक है, हर चीज पे हर एक जगह पे है, अलग अलग चीजें। आप उस चीज को उस समय के टाइम को अब अभी आप मरोड़ तरोड़ के बोलेंगे ये ऐसा है ये वैसा है, इस चीज को एक्सप्लेन करना मेरे लिए शायद डिफिकल्ट होगा। एडम साहब सिर्फ मेरे को एक मिनट देना, अपने ये क्या नाम है इनका, बिल्ली वाले नहीं बोलूंगा इनको, रियल मुस्लिम साहब, रियल मुस्लिम साहब। हाँ रियल मुस्लिम साहब, मुझे सिर्फ है ना ऐसी 10 चीजें बता दो, या वो जितनी चीजें सिर्फ उस वक्त के लिए थी, ये लो मैं आपके लिए ना हथियार भी ओपन कर देता हूं अभी, एक एक काउंट कर लेते अपन, कौन सी चीजें सिर्फ उस दौर के लिए थी अब के लिए वैलिड नहीं है, ये मेरा रुक जाओ, क्योंकि एडम साहब इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये इनका हमेशा ये फॉल्सिफाइड आर्ग्यूमेंट होता है कि उस जमाने की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं। भाई बताओ रसूलुल्लाह के कौन कौन से अमल है, कम से कम 20 अमल या वो ऐसे सारे अमल मेरे को यहाँ पे लाइन टू लाइन बताओ जो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए थे अब नहीं है। जी भाई पहला बोलो। देखिए 1400 साल पहले की बात नहीं, स्लेवरी यार, ओके स्लेवरी, स्लेवरी अभी वैलिड नहीं है। नो स्लेवरी कब तक वैलिड थी? वैलिड इसका मतलब ये नहीं, स्लेव्स को जिस समय पर वहां पर हुआ करते थे सर, कई सारे स्लेव्स को उमर बिन खत्ताब जो तक वैलिड थी वो बताओ ना सर, कब तक वैलिड थी स्लेवरी? और अभी इस्लाम में ये कुरान की आयत जो है वो मनसूख हो गई है, वो उसकी दलील दे दो एग्जैक्टली इसका रिगार्डिंग, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन, लेकिन इस चीज को खत्म किया गया है बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना थोड़ा पता है कि खत्म है, लेकिन ये डेट वगैरह नहीं मालूम। किसने खत्म किया? डेट नहीं पता ये सब। देखो तो आप रिसर्च करके आओ ना बिल्ली वाले भाई, अब आप रिसर्च करके आओ, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सिर्फ बोल रहे हो। हाँ, आपको दलील नहीं है। अच्छा एडम साहब इस पे तो हो गया कि स्लेवरी का इनके पास जो है डेटा नहीं है। हाँ भाई सेकंड पॉइंट बताओ, जो रसूलुल्लाह के लिए के जमाने तक ही वैलिड थी आज के जमाने में वैलिड नहीं है। बहुत सारी चीजें मतलब गिनाओ ना। बैन उस समय पर, ठीक है एक सेकंड में सोच रहा हूँ, सोच रहे हो क्या आर्टिकल ढूंढोगे?
आर्टिकल। अच्छा बताओ यार बताओ। नहीं मेरे दिमाग में आ नहीं रही है भाई, सिंपल। वाह भाई वाह वाह वाह। हमेशा जो ये कहते थे उस जमाने की बातें अभी क्यों करते हो, उस जमाने की बातें अभी क्यों करते हो, इनके पास एक ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ रसूलुल्लाह के जमाने तक के वैलिड थी, अब वो मना हो गई है, एक भी नहीं है। सोचो मुझे नहीं मैंने ये कहा। अभी तो बहुत बहुत कर रहे थे, जिसको बहुत बहुत जो दावा करता है उसको कम से कम दो तीन तो मालूम होनी चाहिए। चले सर, थैंक यू सो वेरी मच। मुनाफ खान जो है वो आए हैं। मैं एक लास्ट आखिरी एक मिनट बोलना कुछ चाहूंगा सर, वो आप नेक्स्ट टाइम बोलिएगा सर, आपने वो टाइम। हां मैं अगली बार आऊंगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कुछ गंदा बोल के जाऊंगा, ऐसा मत लो, ऐसा टेंशन मत लीजिएगा। हां हां लेकर ही आऊंगा, एक मिनट लास्ट बोल दूंगा। जैसे कि मेरा सिर्फ ये बोलना था, अपने नबी के जो ये पूछे थे, मैंने पहला रेफरेंस आपको कुरान दिया था और दूसरा, हाँ तो आपने कहा नहीं है, ठीक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कई सारे मिरेकल थे। यार मिरेकल लेके आना यार, जब मिरेकल का रेफरेंस लेके आओगे मुझसे बात करना, बिल्कुल बिना वजह जो है ना मुद्दे डालने की कोशिश कर देते हैं, फिर वो आधा घंटा मजीद बोलना पड़ जाएगा आपके साथ। अभी आप जाइए, नेक्स्ट टाइम आइएगा, नेक्स्ट सैटरडे को आइएगा, रेफरेंसेस के साथ आइएगा, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बड़ी अच्छी गपशप रही है। मैं नहीं चाहता कि जाते जाते मेरी और आपकी जो है ना गपशप में मसला क्रिएट हो, मैं कोई गलत बात बोल दूं। बहुत आपको टाइम दिया है, नेक्स्ट टाइम आइएगा, रेफरेंसेस के साथ आइएगा, मैं आपकी बाकी बातें भी सुनूंगा, जैसे आज अच्छे तरीके सुनी है तब भी अच्छे तरीके सुनूंगा। बहुत मेहरबानी आपकी। जी जनाब, स्टूडेंट है कुरान, मुनाफ खान कुरान का स्टूडेंट। जी सर। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कुरान के स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, ऊंची बोले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम की आले। आवाज आ रही है? आ रही है। ओ चंगी तुझे सुनाओ की आले, तुसी सुनाओ तुसी की आले। ठीक ठाक है, तुसी सुनाओ ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल क्या हाल है? बिली बेली क्या बिली? चलो छोड़ो, गोली मारो। हाँ जी, मुसलमान है अभी तक, इस्लाम छोड़ दिया। क्या था भाई? चलो यार, मैं आपको दो आयतें क्लियर करके फिर जाता हूँ अपने। अभी आपने क्वेश्चन रखा था नहीं ये भाई को कि इसमें कुरान में प्रोफेसी बताओ। नहीं, कुरान में प्रोफेसी मेरी बात सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपका जो मोहम्मद है, ठीक है, नंबर वन, इसका क्या क्राइटेरिया है इसको नबी साबित करने का? पहले तो क्राइटेरिया बताएं ना आप, क्योंकि आप कुरान के स्टूडेंट हैं। हाँ तो मेरे कुरान में ने कुरान ही दिया उन्होंने। हाँ तो उन्होंने कुरान ही दिया ना, कुरान से तो बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बताइएगा, मैं पहले आप सवाल समझ रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है किसी नबी को नबी साबित करने का? पहले क्राइटेरिया बताएं, व्हाट इज द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया वो अल्लाह का पैगाम लेकर आता है, वो पैगाम को पढ़ के समझ में आएगा कि ये सही है कि नहीं, बस वही क्राइटेरिया। ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ? हाँ क्राइटेरिया कोई नहीं है कुरान के अंदर नबी को नबी जज करने का, क्राइटेरिया कोई नहीं है आपके मुताबिक। आदम आप किताब लिखोगे तो आपकी किताब पढ़ के लोग आपको जज करेंगे ना, कि मुझे नबी मान सकते हैं किताब पढ़ के? नबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपने कोई किताब लिखी, कोई नॉवेल लिखी तो आपका आपका काम देख के आप लोग आपकी तारीफ करेंगे ना, लोग कैसे ही कर लेंगे? तारीफ की बात ही नहीं हो रही ना, मोहम्मद की तारीफ नहीं ना की गई, मोहम्मद ने अपने आप को नबी कहा है। आप क्लेम, हाँ तो मैं वही नबूवत बता ना, नबी का मतलब क्या होता है ना, अनबा इन्फॉर्मेशन। कहाँ पे लिखा हुआ ये बात? आगे की इन्फॉर्मेशन मिली उनको तो कुरान में है, कुरान में लिखा हुआ। सूरह रोम खोलिए, 30 नंबर। मैं बिल्कुल खोल लेता हूँ रोम की 30 नंबर, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ पहले उसका मुझे बता दें कि क्या एविडेंस कुरान ने कहा है कि हमने ये एविडेंस है इसकी वजह से नबी है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द एविडेंस? तो पहले तो ये समझे कि कुरान आपको और हदीस आपको कोई क्राइटेरिया नहीं देती किसी नबी को जज करने का। क्या मैं ये करेक्ट बात कर रहा हूँ?
देती है जज करने का भाई साहब, देती है जज करने वेयर इज द क्राइटेरिया, ओके वेयर इज द क्राइटेरिया रिटन, क्राइटेरिया कहां लिखा भाई? तो मैं बता रहा हूं ना प्रोफेसी, वही तो क्राइटेरिया है, वही तो है भाई। ये आप कह रहे हैं ना, मैं चला जाता हूं उस चीज के ऊपर आपके साथ, मैं सूरह रोम की आयत नंबर 30 पढ़ लेता हूं, कोई मसला नहीं है। मेरा सवाल अभी ये है कि क्राइटेरिया क्या है? अरे सूरह मोहम्मद में भी क्या ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू बिमा अनज़ला अला मोहम्मद, ये भी तो क्या कह दिया है वहां पर। वो ईमान की बात हो रही है ना, अभी मैं पूछ रहा हूँ सर क्राइटेरिया क्या है? बात हो रही है भाई, भाई इट इज कमांड बनी इसराइल को कमांड हुआ कि जो ईमान वाले थे वो टाइम पे उनको कहा गया कि अब आप ईमान लाओ मोहम्मद पे। ओके वंस अगेन ईमान लाने की बात हो रही है। बड़ा हाँ तो क्राइटेरिया ये हो गया ना, आप क्राइटेरिया सर देखिए क्राइटेरिया क्या होता है, सुने मैं एक अपनी किताब लिखता हूँ और मैं उस किताब में कहता हूँ कि मैं एक रोबोट हूँ और तुमने अगर मुझे रोबोट साबित करना है तो इसका क्राइटेरिया है कि चेक करो कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता हूँ और मेरे अंदर एक चिप है और वो चिप जो है वो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, ये होता है क्राइटेरिया। आपके कुरान में क्राइटेरिया क्या है? नबुवत का वही है ना भाई, नबुवत का जो इंफॉर्मेशन मिली, नबुवत नबा का मतलब क्या, ये इंफॉर्मेशन मिली, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन मिलती है उसको नबी बोलते हैं, तो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है वहां पर, आप खोलिए तो सही। वंस अगेन तो क्राइटेरिया कुरान ने कोई नहीं दिया, करेक्ट? ये आप बोल रहे हैं ना, आपको समझ में नहीं आया इसलिए। ओके फिर मुझे आयत दे दें जहां पे क्राइटेरिया लिखा हो। ये सूरह रोम आपके सामने आ गई, सूरह रोम की आयत नंबर 30 आपने ये खोल दिया, मैंने वो मसला नहीं है, ये खुल गया उसकी टेंशन नहीं है, मैं इसमें देख लेता हूं। आयत नंबर 30 ने सूरह रोम 30 आयत नंबर 1। ओके अब मुझे सिर्फ ये बताएं कुरान ने क्राइटेरिया दिए? अरे कुरान में क्राइटेरिया देने की जरूरत ही नहीं है ना, ये जो ओके तो क्राइटेरिया नहीं ना दिया, क्यों जलेबी बना रहे थे सीधे सीधा, क्या तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कुरान के अंदर? भाई मैं जलेबी नहीं बना, आपको सीधा तो बोल रहा हूँ, आप समझ ना मतलब आदम Go to ayah number one. Shut up. Don't mock here. I'm your father. Don't mock your father. Okay? Last. दोबारा से आते हैं। ये सूरह रोम की आयत नंबर 1 आई। जनाब, तो क्राइटेरिया कुरान में कुछ नहीं आदम, है। आदम। देखो, उल्टी सीधी बात नहीं करो। I am your father मत बोलो, okay? No, then don't mock. इससे भी उल्टी सीधी बात करो। Don't mock me. What did I mock? I told you, आदम, what is this mocking? Don't do I'm that calling again. You. I know what a mockery is and you know what a mockery is. Then, so okay, shut up then, and don't mock again. Otherwise, I'll be more mad. Munaf bhai, aage badho na yaar. Ayat aage saamne. Sahil, main bol raha hu. Ayat number 1 aa gayi hai saamne. Aa gayi na saamne. Bolo na. Kya karna hai? Aage badhi. Chaliye. Tumne kaha ayat number 1 pehle. Ab ayat number 1 to karo na sabit. Isse kya sabit hoga? To Alif Lam Mim main wo aage badhi hai na bhai. Main batata hu na aapko. Ek second. Kabhi tumne kaha tha 30vi ayat. Ab tumne kaha pehli ayat. Pehli ayat dikhaiye. Isme kya sabit hoga? To ho gaya na Alif Lam Mim. Chaliye aage badhi hai na. क्या साबित हो रहा है इस्लाम मीम से? वो अरे वो एक वो तो वर्ड है, वो छोड़ दो उसको, उसको कुछ क्या मतलब वर्ड है, तो इस वर्ड का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं उसका, नीचे जाइए आप। दो नंबर कुरान में एम ही बोंगी के लफ्ज भी है, फालतू का वर्ड है। हां फालतू का लफ्ज भी है। हां बोंगी, फालतू का लफ्ज। हां बोंगी लफ्ज भी है। लो जी कुरान हमारे पास बोंगी के लफ्ज भी देता है। अगली आयत, हां चलिए आगे चलिए जी। हां ये गलीबत रूम, ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है कि जो डिजाइन कर रहे हैं, एक सेकंड आप रुक जाएं जरा। गुलिबातुल रूम, द बेजेंटिनियंस हैज बीन डिफीटेड, पास्ट टेंस, रोमी मगलूब, बेजेंटिन नहीं है वो, बेजेंटिन वो तर्जुमा गलत है, बेजेंटिन नहीं है, रोमू है। हां पास्ट टेंस है रोमू, हां तो पास्ट टेंस की बात करता हूं ना, वो तो वही बोला, रोमू है, रोमू है, और रोमू का मतलब होता है डिजायर करने वाले, तमन्ना रखने वाले। अबे भाई पास्ट टेंस है, अबे भाई पास्ट नहीं है, वो रूमू है, आल रूमू, आल रूमू है, आल आगे आल लगा हुआ है, वो आप बेंजर टाइम की बात करें वो नहीं है, ये तमन्ना रखने वाले हार गए, ऐसा तमन्ना रखने वाले हार गए, ये तमन्ना वर्ड कहाँ से लिया आपने? ये रूमू का बता, डिजायर रखने वाले, रूमू डिजायर रखने कहाँ? अरे चोमू, रोमू का मतलब डिजायर रखने वाले, ये कहाँ है, कहाँ से लिया आपने? आप देख लो डिक्शनरी खोल के, लेक्सिकन खोलो,
यार साहिर यार, मुझे हैरानगी होती है इन लोगों में यार, ये वही क्या आदमी है भाई। भाई।